आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। हाय, आई एम हिना भाटिया। आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर एंड आई एम एन इंटरनल ऑडिटर इन अ प्राइवेट बैंक बाय प्रोफेशन। आई एम आल्सो इनटू एक्टिंग एंड मॉडलिंग। मैडम, आज जो वेंसडे स्टे के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि एवरी ह्यूमन बींग, वेदर इट इज़ वुमेन और अ मैन, क्योंकि वुमेंस डे पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं वुमेन के लिए ये स्पेशल मैसेज यही कहूँगी कि वी ऑल आर यूनिक इन आर ओन वेज। हम सभी फीमेल्स या वुमेन यूनिक हैं, ब्यूटिफुल हैं। वी डोंट हैव टू फॉलो अनदर पर्सन और वी डोंट हैव टू कॉपी और वी डोंट हैव टू कंपेयर। हमें कंपेरिजन में नहीं जाना है, हमें लोगों को, दूसरों को फॉलो करना है कि कौन ऐसा दिख रहा है, वो ऐसे दिख रहे हैं, तो उनको जब हम कॉपी करने लगते हैं, बहुत फॉलो करने लगते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें अपनी यूनिकनेस को, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम सभी भगवान की यूनिक क्रिएशन हैं और हम सभी यूनिक हैं और हम सभी में एक ब्यूटी है, सभी में वो सुंदरता है। उस ब्यूटी को हम, उस ग्रेस को हम एम्ब्रेस करें और इस तरीके से वुमेंस डे या कोई भी दिन को हम सेलिब्रेट करें, लोगों को देख के उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो। अगर हमें इन्फ्लुएंस होना है तो हम अपने अंदर की खूबसूरती को देखें और उसे निखारें और उसे और अपना, है ना, एक और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें और अपने आप को सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम खुद में एक बहुत यूनिक क्रिएशन है परमात्मा की। तो जस्ट स्टे हैप्पी। मैसेज देना चाहूँगी कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और हमें लगता है कि जो रंग हैं, हम उनसे खेलते हैं और उससे कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं और कई प्रकार की, उस दिन आई थिंक लोग भांग पीते हैं, लोग ऐसी ऐसी गलत चीज़ें करते हैं अपने आप को खुश करने के लिए। तो खुशी बाहर मत ढूंढिए, खुशी उन रंगों को, है ना, कीचड़ करना, गंदा करना, सोसाइटी को गंदा करना, एनवायरनमेंट को गंदा करना। तो हमें एज ए ह्यूमन बींग एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और हमें अपने नेचर को, प्रकृति को और एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। हमें इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें समझना चाहिए और एक मैच्योरिटी हमारे अंदर, वो एक मैच्योरिटी अब जागृत होनी चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कि हम हर एक व्यक्ति की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, प्रकृति का, जीव जंतुओं का ख्याल रखें। तो होली जैसे ब्यूटिफुल त्यौहार को, जो बहुत ब्यूटिफुल रंगों से बना है, और वो रंग कौन से हैं उसका आपको समझने की ज़रूरत है। तो वो रंग ये नहीं है कि हमने बाहर गुलाल किया, काढ़ा रंग लगाया, एक दूसरे को भांग पिया, जानवरों के ऊपर रंग लगाया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रंगों का मन है परमात्मा की जो ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं, भगवान की जो बहुत सुंदर क्वालिटीज़ हैं, प्यार, सुख, शांति। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।